वायु पुराण। दोस्तों, हिंदू धर्म में 18 पुराणों का वर्णन मिलता है। वैसे तो पुराण इससे भी ज्यादा है, लेकिन प्रमुख 18 पुराणों को ही माना गया है और इसमें वायु पुराण को चौथा स्थान प्राप्त है। इस पुराण में शिव उपासना चर्चा अधिक होने के कारण इसको शिव पुराण का दूसरा अंग भी माना जाता है। फिर भी इसमें वैष्णव मत पर विस्तृत प्रतिपादन मिलता है। इसमें खगोल, भूगोल, सृष्टिक्रम, युग, तीर्थ, पितृ, श्राद्ध, राजवंश, ऋषिवंश, वेद शाखाएं, संगीत शास्त्र, शिव भक्ति आदि का सविस्तार निरूपण है। इसमें 112 अध्याय और 11,000 श्लोकों का वर्णन मिलता है। वायु पुराण को स्वतंत्र पुराण भी कहा जाता है। इसके पूर्व भाग के अनुसार वायु पुराण के प्रथम भाग में वायु देवता द्वारा श्वेत कल्प का वर्णन करते हुए धर्म के भिन्न भिन्न उपदेश दिए गए हैं। संभवतः इसलिए इसे वायु पुराण कहा जाता है। इस भाग में सर्ग आदि का लक्षण विस्तार से बताया गया है। अलग अलग मनवंत्रों में होने वाले राजवंश का पूरा वर्णन, गयासुर की कथा का सविस्तार वर्णन, वर्ष के 12 महीने का महत्व, साथ ही माघ यानी फरवरी के आसपास के महीने को विशेष महिमा और इस महीने के दान धर्म पुण्य आदि कर्मों के विशेष फलों का वर्णन किया गया है। पूरे वर्ष में दान पुण्य और धार्मिक कार्य की उपयोगिता और उनका फल बताया गया है। धरती, आकाश, पाताल सहित दशों दिशाओं में स्थित ये गतिमान अधिकारी देवताओं अथवा जीवों के संबंध में विस्तार से बताया गया है और साथ ही इसमें संबंधित व्रत नियम आदि के भी निरूपण किया गया है। वहीं उत्तर भाग में नर्मदा जी के तीर्थों का वर्णन और शिव संहिता का विस्तार के साथ वायु पुराण के उत्तर भाग में वर्णन है। शिव जी को अजय, अजन्मा और सनातन बताया गया है। शिवलिंगों के प्रकट होने के विस्तार से वर्णन वायु पुराण में मिलते हैं। नर्मदा जी के तट पर शिव जी निवास करते हैं। उसके जल को ही ब्रह्म का स्वरूप बताया गया है। नर्मदा नदी को शिव जी का ही स्वरूप मानकर उनकी आराधना और पूजा करने का निर्देश दिया गया है। इस पुराण का कहना है कि भगवान शिव ने ही सभी लोगों एवं जीवों का कल्याण करने के लिए अपने शरीर से इस दिव्य नर्मदा नदी को प्रकट किया है। पुराण में यह भी कहा गया है कि जो मनुष्य नर्मदा नदी के उत्तर तट पर निवास करते हैं वे भगवान शिव के सेवक और अनुयायी होकर शिव लोक को प्राप्त करते हैं और जो नर्मदा जी के दक्षिण तट पर निवास करते हैं वे भगवान विष्णु के सेवक और अनुयायी होकर विष्णु लोक को गमन करते हैं। वायु पुराण में एक कहानी भी दी गई है। प्राचीन समय में असीम कृष्ण नाम के राजा पृथ्वी पर राज्य करते थे। असीम कृष्ण उस समय सभी राजाओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। एक बार जब सरल चित्त बलि सत्यवृति ऋषियों ने दृष्टद्वती नदी के किनारे यज्ञ शुरू किया तो वहां दर्शन के लिए ऋषि सूत जी भी आए थे। सूत जी वेद व्यास जी के मेधावी छात्र थे और तीनों लोकों में उनकी ख्याति भी थी। सभी वेद पुराणों के साथ साथ महाभारत को पल्लवित करने वाली उनकी शक्ति मतिवाणी में सभी को रोमांचित करने की क्षमता थी। जब सूत जी यज्ञ में पहुंचे तो उन्हें देखकर वहां उपस्थित सभी ऋषियों के मन में उनसे पुराण कथा सुनने की इच्छा हुई। तब यज्ञ के गृहपति ने ऋषियों के मनोभाव जानकर सूत जी से निवेदन किया कि पुराण कथा सुनाकर उन्हें कृतार्थ करें। उसके बाद सूत जी ने उन्हें वायु कथा सुनाई। वायु पुराण में 4 भाग हैं। पहला प्रक्रिया, दूसरा अनुषंग, तीसरा उपोधदात और चौथा उपसंहार। इसमें शुरुआत में ऋषि पूजित पुराण का वर्णन मिलता है और उसके बाद इसमें वासवती पितरों की मानसी कन्या की कहानी का वर्णन भी दिया गया है जो कि श्राप के कारण मछली के रूप में जन्मी थी। वहीं वायु पुराण में भारत वर्ष की शोभा का वर्णन किया गया है। नदी, खंड, पर्वत, रमणीय स्थलों व द्वीपों का सुंदर चित्रण भी किया गया है। वहीं इसमें यह भी बताया गया कि भारत में 10 योजन का एक महासागर और वहीं इसमें लंका का वर्णन भी मिलता है। इसके बाद वायु पुराण में वरुण वंश का वर्णन मिलता है और साथ ही मारतंड का परिचय दिया गया है। राजा सगर व उनके वंश की कहानी, चंद्रवंश का वर्णन भी इसी पुराण में दिया गया है और इसके साथ इसमें उर्वशी व पुरुर्वा की कहानी का भी वर्णन मिलता है। महाराज राज की कहानी और उनके 100 पुत्र की कहानी के साथ इसमें राजा ययति की कहानी का भी वर्णन मिलता है। वहीं इसमें हिरण्यकश्यप की कहानी का जिक्र भी आता है जिसका वध भगवान विष्णु ने अपने नरसिंह अवतार में किया था। इसके अलावा राजा पुरु के वंश और धृतराष्ट्र, गांधारी और उसके 100 पुत्र से जुड़ी कहानी भी इसी पुराण में मिलती है। बात करें अगर वायु पुराण के महत्व की तो दोस्तों चूंकि यह हिंदू के पवित्र 18 पुराणों में से एक है
इसकी वजह से इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। शैव पुराण होने की वजह से शैव संप्रदाय के लोगों के लिए खास रूप से पूजनीय है। भय्यू पुराण में भारत की नदियां, खंड, पर्वत, महासागर, द्वीप आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। इसी वजह से ये पुराण भौगोलिक वर्णन की दृष्टि से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। भले ही वायु पुराण अन्य सभी पुराणों की तुलना में श्लोकों की संख्या में कम है, लेकिन इसमें युग, यज्ञ, ऋषियों व तीर्थों के बारे में काफी ज्यादा विस्तार से जानकारी मिलती है। वराह की भांति इसका भी आरंभ नारायणम नमस्कृत्यम से होता है। दूसरे श्लोक में व्यास की प्रशस्ति गाई गई है, जो अन्य संस्करणों में नहीं पाई जाती। तीसरे श्लोक में शिव भक्त की ओर निर्देश है। 104वां अध्याय बहुत से संस्करणों में उपलब्ध नहीं है और गया महात्म्य वाले अंतिम अध्याय कुछ लेखकों के मत से पाश्चात्यकालीन परिवर्तन है। बहुत से अध्याय में शिव पूजा की ओर विशेष संकेत है। लगता है कि यह कुछ पक्षपात है। संभवतः इसी पक्षपात को दूर करने के लिए अथवा सांप्रदायिक संतुलन के लिए गया महात्म्य के अध्याय जोड़ दिए गए हैं। इतना ही नहीं, अध्याय 98 में विष्णु की प्रशंसा है और दत्तात्रेय, व्यास, कल्कि विष्णु के अवतार कहे गए हैं, किंतु बुद्ध का उल्लेख नहीं है। अध्याय 99 सबसे बड़ा है। इसमें 464 श्लोक हैं और इसमें बहुत सी प्राचीन परिकल्पित एवं ऐतिहासिक कथाएं हैं। इस पुराण में कुछ ऐसे श्लोक हैं जो महाभारत, मनु एवं मत्स्य में पाए जाते हैं। इस पुराण में भी मत्स्य की ही भांति धर्मशास्त्रीय सामग्री प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यह पुराण प्राचीन एवं अत्यंत प्रमाणिक पुराणों से परिगणित है, किंतु इसके कुछ पाश्चात्यकालीन शेपक एवं परिवर्धन भी हैं। वायु पुराण में गुप्त वंश की चर्चा की गई है और बाण ने अपने हर्षचरित एवं कादंबरी में इसका उल्लेख किया है। अतः इसकी तिथि 350 ईस्वी पूर्व या 550 ईस्वी के बीच में रही होगी। शंकराचार्य ने अपने वेदांत सूत्र में एक श्लोक जिस पुराण से उद्धृत किया है वह वायु पुराण ही है। केवल नारायण शब्द के बदले वायु में महेश्वर रखा गया है। थोड़े बहुत अंतरों के साथ बात की गई है। योग सूत्र पर वाचस्पति ने तत्व विशारदी में वायु को उद्धृत किया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और यदि आप इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम सरल भाषा में और विस्तार से इसके बारे में वीडियो बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।